वेलकम बैक गेमर्स। तो क्या हाल चाल, आज की इस वीडियो में फिर से बात करने वाले फ्री फायर में आने वाले बहुत सारे नए इवेंट एंड अपडेट के बारे में। तो वीडियो का लास्ट तक जरूर से देखना और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जो भाई लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार इवेंट्स हम लाते रहते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, तो आप लोग को इमोट भी कैसे देखने को मिल सकता है ये भी बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखो। तो पहले बात कर लेते हैं मैंने पहले इवेंट में, तो इसमें हमें क्या देखने को मिला ये बताऊँगा और करना क्या है आप लोग को ये बताऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग को एक बंडल देखने को मिल जाएगा, कार का स्क्रीन, एक कार वाला इमोट और बहुत सारे इमोट भी आप लोग को देखने को मिलने वाला। पर दूसरा इवेंट है तो आप लोग को वो गोल्ड रॉयल में देखने को मिलेगा या फिर डायमंड रॉयल में, वो सारे इवेंट में आप लोग दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। और इसमें पहला इवेंट जो है उसमें आप लोग करना क्या है, तो यहाँ पे आप लोग करना कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे ये इवेंट आएगा उस पर टच कर लेना है। और यहाँ पे आप लोग टच करते हैं यहाँ पे लोग को कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग को स्पिन कर लेना है। तो स्पिन करोगे भाई लोग तो यहाँ पे आप लोग को ये जो टोकन बीच मिडिल वाला टोकन देख रहे हैं, टोकन आप लोग कलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप लोग टोकन कलेक्ट कर कर ये टोकन कितना की यार आप लोग 10 3 टोकन कलेक्ट करोगे तो आप लोग का कार का स्क्रीन, एक कार वाली इमोट और ये जो आप लोग बंडल देख रहे हैं स्क्रीन पे ये देखने को मिल सकता है 3 टोकन पे, यानी कि आप लोग 3 स्पिन करके ले सकते हो। यहाँ पे एक स्पिन का यार 19 डायमंड होने वाला है, यानी कि 19 डायमंड। तो आप लोग को ये इवेंट कैसा लगा आप कमेंट कर बताना। मुझे तो ये वाला इवेंट बहुत बढ़िया लगा यार, बहुत ज़बरदस्त इवेंट है यार। यहाँ पे आप लोग एक M4A1 का स्किन भी देखने को मिलने वाला है, जिसका रेट ऑफ फायर जो है वो डबल होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को ये गन का स्किन देखने को मिल जाएगा। आप लोग को ये गन का स्किन कैसा लगा आप कमेंट को बता दो। ये जो है वो आप लोग को इसी थोड़े दिन के अंदर में देखने को मिल जाएगा, शायद ये हमारे वीपन रॉयल के अंदर आ सकता है, पर यह कन्फर्म नहीं कि वीपन रॉयल के अंदर ही आएगा, क्योंकि M4A1 जीनस यार ये दूसरे इवेंट में भी आ सकता है। एक इवेंट के अंदर आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा, पर हमारे लक रॉयल में यही देखने को मिलने वाला, जैसा कि अभी फिस्ट का स्किन देखने को मिल रहा है हमें, तो वैसा ही देखने को मिलने वाला है। तो यार मुझे तो ये वाला इवेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। और यहाँ पे आप लोग को एक इमोट भी देखने को मिलने वाला है, तो ये आप लोग ले सकते हो इमोट 500 डायमंड टॉप पे। और यहाँ पे आप लोग को ग्लूवाल भी देखने को मिलेगा, तो ग्लूवाल का स्किन जो है आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे ये भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा फ्री फायर के अंदर, तो ये भी आप लोग ले सकते हो। ये भी आप लोग टॉपअप के इवेंट के अंदर से ले सकते हो, टॉपअप इवेंट में आप लोग को ग्लूवाल का स्किन और साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोग को इमोट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को ये इवेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत बढ़िया वाला इमोट लगा यार, ये इमोट जो है आप लोग देख रहे हो ये बहुत बढ़िया वाला लगा। अब यहाँ पे देख लो यार ग्लोबल का स्किन कुछ इस तरह से देखने को मिलने वाला है, और आप लोग यहाँ से ग्लोबल का स्किन भी निकाल सकते हो। तो आप लोग को ग्लोबल का स्किन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता देना। मुझे तो भाई लोग उतना ज़्यादा खास नहीं लगा, ग्लोबल का स्किन बहुत बढ़िया वाला नहीं है। और कुछ दिन में आप लोग को वन पंच मैन वाला एरोप्लेन भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे वन पंच मैन वाला ये जो ट्री पे देख रहे हैं पेट पे, तो यहाँ पे आप लोग को ये भी देखने को मिलने वाला है, और वन पंच मैन का एयर ड्रॉप भी देखने को मिलने वाला है, एयर शिप वगैरह वगैरह सारे चीज़ें जो है आप लोग को वन पंच मैन वाले देखने को मिल जाएगा। और फ्री फायर में धीरे धीरे यार वन पंच मैन के सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो वन पंच मैन वाली। तो आप लोग ये 23 जनवरी तक देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग का ये इवेंट कैसा लगा आप हमें बताना। और यहाँ पे आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वन पंच मैन में आप लोग को कुछ कुछ इवेंट भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे देखो आप लोग, और न्यू इवेंट इज कमिंग गेस द थीम, यहाँ पे यार आप लोग कुछ अलग ही देखने को मिलने वाला, कुछ खास देखने को मिलने वाला, कुछ सरप्राइज देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग कुछ भी देखने को मिल सकता है यार फ्री फायर में, जैसा कि आप लोग लेजेंडरी इमोट ले सकते हो, तो भाई लोग आप लोग को वो भी देखने को मिल सकता है, वरना आप लोग डीजे आलोक को डिस्काउंट में देख सकते हो। भाई लोग कुछ तो होने वाला है, कुछ तो सरप्राइज है, पर यार सरप्राइज क्या है ये अब तक पता नहीं चला यार, क्या होने वाला सरप्राइज मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगले मिनट में बात कर लो, तो यहाँ पे देखो आप लोग को ये इमोट देखने को मिल जाएगा, सारे के सारे इमोट वाले रॉयल देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे कुछ दिन में यार आप लोग के ये सारे के सारे इमोट वाले देखने को मिल जाएंगे, पर यहाँ पे यार जो आप लोग चेयर वाला इमोट देख रहे हो तो ये आप लोगों को नहीं देखने को मिला, और पायरेट फ्लैग वाला भी नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यार ये लेजेंडरी इमोट है, और लेजेंडरी इमोट यार ऐसे ही फ्री फायर हमारे इंडियन सर्वर पे नहीं देता है। और यहाँ पे आप लोग कार के वाले इमोट भी नहीं देखने को मिलेगा, आई लव यू वाली इमोट भी नहीं देखने को मिलने वाली, तो FFWC थ्रोन तो यार मिलने ही नहीं वाली है, क्योंकि यार आप लोग ये इमोट जो देख रहे हैं इनमें से आप लोगों को यार आधे से आधे इमोट देखने को मिलने वाले हैं, वो भी आप लोग एक इवेंट के अंदर से निकाल सकते हो, तो वहाँ वो आप लोग ले सकते हो। पर यहाँ पे आप लोग को ये जो इमोट देख रहे हैं ये FFWC थ्रोन वाले, तो यहाँ पे आप लोग को ये देना यार बहुत मुश्किल है, यहाँ पे ये आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादातर, तो क्योंकि यार इंडियन सर्वर पर लेजेंडरी इमोट है, तो लेजेंडरी माना जाता है, इसलिए तो यहाँ पर ये फ्री फायर ऐसा कभी भूल नहीं करेगी कि लेजेंडरी इमोट यार फ्री में दे दे। तो यहाँ पर आप लोग को लेजेंडरी के लिए बहुत सारे डायमंड स्पिन करने को पड़ेंगे, और यहाँ पे आप लोग शायद यही आ जाए हमारे न्यू इवेंट इज कमिंग की में। तो यहाँ पे आप लोग को ये वाला इवेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बता देना, वरना आप लोग लॉक रॉयल के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके अगर उसके बावजूद यार आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा लॉक रॉयल में, तो फिर यार आप लोगों को नहीं देखने को मिलने वाला है। पर यहाँ पे लिख मिल रही है कि बाहर के सर्वर पे आया है, इसलिए हमारे सर्वर पे भी आ सकता है गाइज, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल भी सकता है। तो आपको ये इवेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बता देना।
तो आज के लिए इतना ही इवेंट्स एंड अपडेट, अब मैं आप लोग को अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।